बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने निमाना गांव में पहुंचकर पलक गुलिया को दी बधाई और शुभकामनाएं। खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में समाज की अग्रणी भूमिका रही है। क्षेत्र की पलक गुलिया बेटी की बड़ी उपलब्धि पर सम्मान समारोह आयोजित कर क्षेत्र की सरदारी ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। पलक बेटी की उपलब्धि और उसके सम्मान से ऐसे गौरवपूर्ण समारोह खेल में अपना भविष्य बना रहे युवा, उन्होंने युवा खिलाड़ियों को और भी ज़्यादा प्रेरित करेंगे ऐसा कहा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने निमाणा गांव में गुलिया खाप की ओर से एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल विजेता पलक गुलिया के सम्मान समारोह में बधाई और शुभकामनाएँ दी। धनखड़ के साथ हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी पलक को बधाई देने पहुंची। राज्य मंत्री ढांडा ने पलक को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 2 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप और 10 लाख रुपए गुलिया खाप के चबूतरे पर विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की। गांव में वाटर टैंक बनवाने की मांग पर धनखड़ ने जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर बनवारी लाल ने फ़ोन पर बेटी पलक को बधाई देते हुए वाटर टैंक बनवाने की मांग मंजूर की, जिस पर लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। धनखड़ और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि गांव में शूटिंग रेंज बनवाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। धनखड़ ने कहा कि देश के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक मेडल जीते हैं और इनमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नौकरी देने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य मंत्री ने गुलिया खाप द्वारा बेटी के सम्मान समारोह में आयोजित करने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे अन्य बेटियों को भी खेलों में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। समारोह में क्षेत्र की सरदारी, गणमान्य जन, खिलाड़ी और काफ़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।